मेरा बैग। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू दी व्लॉग। जो आज का व्लॉग स्टार्ट होने वाला है, एक्चुअली एक मेरा एक सडनली एक प्लान बन चुका है। मेरा मन करता कि आगरा चलते हैं घूमने, तो मैंने जैसे भाई से बात की, भाई बोलता है जब मुझे भी छुट्टियाँ पड़ी हैं तो चल भाई चलते हैं आगरा। तो बैग हो चुका है पैक और सामान ले चुके हैं, घड़ी शड़ी सब कुछ रेडी हूँ। मैं आपको नीचे से दिखाया तो मैंने डाल लगा हुआ है, दिस इज माई ड्रेस। तो अभी हम जाने वाले हैं आगरा वाली साइड घूमने। तो पूरा आपको ब्लॉग स्टार्ट से लेकर एंड तक बताऊंगा कि कैसे मैंने ट्रैवल किया। हम जाने वाले थे ट्रेन से, एसी ट्रेन बुक करी थी बट कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद से अभी हमें बस में जाना पड़ता है क्योंकि सडनली प्लान बनने का हमें बस में जाना पड़ेगा। पापा वगैरह सबको मम्मा को बोल देता हूँ मैं बाय और निकलता हूँ यहाँ से। ओके बाय मम्मा, पापा को बोल देते हैं। ओके पापा, तो निकलते हैं मंदिर में भी पूजा थोड़ा कर लेते हैं। भाई निकलते हैं अब। भाई वगैरह बोल रहा था कि अभी पापा ने बोला कि काफ़ी जाम काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी भाई जा रहा है छोड़ने बाइक पर, अभी बाइक पर जाने वाले हैं लोग। फाइनली मैं आ चुका हूँ बस स्टैंड और ये रही अपनी बस लगी है सामने। अंदर वाला एक्चुअली मिली हमें सीट ही है, तो सीट पर जाने वाला हूँ मैं। अभी बस चलेगी अराउंड 9:30 बजे, तो अभी मेरे पास आधा घंटा है। चिप्स वगैरह सब कुछ मैंने खाने वाला सामान अपने पास रखा हुआ है उसके, तो भाई फ़ोन थोड़ा संभाल के पकड़ना पड़ेगा मुझे क्योंकि चोरी का भी डर होता है। तो वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, गाड़ी के अंदर आपको दिखा दूँगा। सीट मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी यह सोच रहा हूँ कि अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, दिल्ली पहुँच के ही शूट करूँ। रास्ते में कहीं उतरूँगा तो आपको सब कुछ दिखा दूंगा मैं, ठीक है गाइस। जी मैं आ चुका हूँ गाइस बाहर और मैं पहुँच चुका हूँ अभी लखनपुर में। लखनपुर तो पहुँच गया हूँ, कुछ खाने का मन कर रहा है आपको बता। अगर आप लखनपुर में आए हो ना, जम्मू के बाद अगर आप लखनपुर में पहुँचते हो तो आपको जो मेन फोकस रखना है वो रखना है आपको पल्ले खाने पर। तो अभी मैं लेने वाला हूँ पल्ले अपने लिए, आपको मैं दिखाता हूँ। अंधेरा काफ़ी है तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। भाई काफ़ी शॉप्स है यहाँ पर देख सकते हो, गुरगुले की काफ़ी लंबी शॉप है यहाँ पर। कोल्ड ड्रिंक तो भाई अभी ये बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, तो अभी कोल्ड ड्रिंक ढूंढ रहा है। तो अभी भाई हमने ले लिया हुआ है डीओ और चिप्स, एक लिया हुआ है एक लाता नहीं लाफा दे। तो भाई लोग अभी हम चलते हैं अपना पल्ले लेने के लिए। पल्ले आपको भी मैं दिखा दूंगा वीडियो में क्योंकि मेन चीज़ वही है। अगर आप लखनपुर में आ रहे हो तो मेन आपका बनता है पल्ले खाना बनता है, तो वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। लेने वाले हैं पल्ले अपने लिए खाने हैं, तो भी ये है पल्ले दो डूने लाओ कितने का? 20 रुपए लग, तो 20 रुपए का भाई एक डूना आ गया हुआ है। डूना ही बोलते हैं हमें कटोरी, और अपनी भाषा में हम डूना बोलते हैं। तो भाई अगर आपको मिल जाएंगे 20 रुपए में एक प्लेट, तो हम दो ले रहे हैं साथ में लिए हुआ कोल्ड ड्रिंक। तो भाई लोग आ चुके हैं अपने गुरगुले, तो अब खाने के बाद ही दिखाता हूँ, खाता हूँ आपको टेस्ट आप बाद में बता दूँगा कि खाने में कैसा था, ठीक है। तो फाइनली मैंने वीडियो में दिखा रखा लास्ट ही बचा हुआ अभी, तो लास्ट ही खाने में काफ़ी यम्मी था खाने में, मज़ा आ गया। पूरा खाली कर दिया, पाँच पूरे खाली कर दिए। यहाँ से कुछ लेने के बाद मैं सीधा जाने वाला हूँ दिल्ली, और दिल्ली में जाके ही स्टार्ट करूँगा अगला जो वीडियो होगा। ठंड काफ़ी है बट जैसा मैंने सोचा था इतनी ठंड नहीं है, इतनी मुझे जैकेट ये है जैकेट ना काम अच्छे से कर रही है, मतलब जैकेट में ठंड लग रही नहीं है, तो बढ़िया जैकेट मिल गई भाई। तो भाई लोगों को काफ़ी अंधेरा होगा, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो ये रीज़न था कि मैं बस के अंदर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लाइट ऑफ है यहाँ पर। और मैं भी चलो सोता हूँ अब, और दिल्ली में सीधा उतरेंगे और वहीं आपको मिलेंगे। ओके गुड नाइट। फाइनली गाइस मैं सोकर जस्ट अभी उठा हूँ, तो बस काफ़ी रुकी हुई थी, मतलब बस रुकी हुई थी, तो जस्ट मैंने सोचा कि बाहर एक बार घूम कर आता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ हरियाणा, आपको मैं दिखाता हूँ जो हरियाणा का एंट्रेंस है वो कैसा दिखता है। तो भाई ये रहा हरियाणा का एंट्रेंस, काफ़ी देखने में काफ़ी बढ़िया है ना, मुझे मैंने देखा नहीं था पहले कभी, मैंने देखा नहीं था एक्चुअली। मैं सोकर ही आता हूँ, तो रोड देखो यार कितना क्लीन रोड है, और लाइट्स देखो
और यहाँ पे बसेस की लाइन लगी है, मेरी वाली बस वो लास्ट में लगी है। एक चीज मुझे सही लगेगी, मैंने सुना था कि हरियाणा की ना लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट है, मतलब जम्मू की तरह ही है, थोड़ी पंजाब की तरह मिक्स है, पंजाब जम्मू और इनका मिक्सचर ही है। पर यार जो भी है यार, रोड है यार, रोड बहुत बढ़िया है यहाँ का। एक चीज़ मैंने नोटिस की है, और जो एंट्रेंस है ना, मतलब मैं सोच रहा था जम्मू के एंट्रेंस और यहाँ के एंट्रेंस में तो टोटली ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार, फुल मज़े हैं यार। चलो चलते हैं यार अपनी बस में वापस, अरुण वेट कर रहा होगा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं दिल्ली में, और अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन वाली साइड। तो भाई देखते हैं बस स्टेशन कहाँ पे है, उनसे मैंने पूछा कि वो बोल रहे थे आगे वाली साइड है, मैं आपको दिखाता हूँ। अरुण भाई भी साथ में है, फुली एडवेंचर ले रहे हैं हम, ट्रैवलिंग वाला फील होता ना। तो ये भाई यहाँ पे आई थी हमारी बस ने, हमें यहाँ ड्रॉप किया, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं इस साइड बस स्टेशन वाली साइड। अभी खाना भी नहीं खाया हुआ, ब्रेकफास्ट वैसे किया नहीं है, तो मैं देखूंगा कि ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, अभी डिसाइड करते हैं क्या खाना है ब्रेकफास्ट में। अभी यहाँ से शायद से हम उस साइड जाएंगे, यहाँ से चढ़ते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है ना, पूरा एडवेंचर लेने वाला, मैं पूरा फील लेने वाला हूँ भाई लोग। अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर वाली साइड, अरे भाई नीचे का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। एक चीज़ मैं बोलूँगा आपको कि यार पोल्यूशन काफ़ी है यहाँ पे, मतलब दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन होता है ना। भाई बोल रहा है हेडफोन लेने हैं देसी वाले, वो जो पीछे साइड पे वहाँ पे मिल रहे थे हेडफोन, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे हेडफोन मिल रहे थे, मैंने बोला ना भाई नहीं मैंने नहीं लेने हैं। और देखो यार एरिया देखो, कितनी गाड़ी आ रही है भाई, कितना कितना ट्रैफिक है यहाँ पे देखो भाई। अरे भाई 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 नज़ारा देखो यार, दिल्ली का ना, दिल्ली का भी अलग ही नज़ारा है। चलते हैं अभी आगे वाली साइड, दिखाता हूँ मैं अभी, पहले हम देखेंगे और ट्रेन पे तो जाएंगे नहीं, आगे से देखेंगे कौन सी बस लेंगे हम, बस लेने के बाद डिसाइड टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग के बाद हम उससे पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो ब्रेकफास्ट में जो भी खाएंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे रहा हूँ दिल्ली में, तो देखते हैं अभी क्या कौन सा लेंगे अभी। तो अभी हम यहाँ से अभी एंट्रेंस ले रहे हैं, उधर है एक गाड़ी, एक उधर जा रहा बस स्टैंड जा रहा है भाई। अभी पीछे एक्चुअली चेकिंग वगैरह हो गई हमारी, वहाँ पे देखो चेकिंग का लगा हुआ है, तो वहाँ पे हमारी चेकिंग हो गई है। तो अभी पूछते हैं भैया को किसी को कि एक्चुअली मेट्रो भी यहीं से जाती है, और उसके अलावा देख सकते लोग कैसे जी जैसे जा रहे हैं, हमें भी डाउन साइड ही जाना है, चलते हैं यार। मैंने मास्क नहीं डाला हुआ है, एक्चुअली मेरा मास्क गुम हो गया रास्ते में, मतलब बस में मैंने शायद से पता नहीं कहाँ रख दिया, तो मैं भी नीचे वाली साइड जा रहा हूँ बस स्टेशन वाली साइड, और ऊपर हो रही थी चेकिंग कोविड की, लोग बहुत से लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ, मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों ने मास्क लगाया हुआ, बट लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ। तो भाई आ गए हम बस स्टेशन में, एक साइड से जाती है मेट्रो और दूसरी साइड से जाती है बस, तो दिल्ली टू चंडीगढ़, और यहीं पे हमें सभी बस मिल जाएंगी, तो हमें पूछना पड़ेगा यहाँ से कहाँ से हमें बस मिलेंगी, तो वो हमें पूछना पड़ेगा। तो फाइनली गाइज मैंने मास्क डाल लिया हुआ है, और अभी हम जाने वाले हैं, एक यहाँ पे बस मिलेगी तो बस में जाएंगे हम आनंद विहार, तो निकलते हैं आनंद विहार वाली साइड। और ओ मेरा बैग,